बार हम आए हैं ऐसे पेंटिंग एग्जीबिशन, सेकंड टाइम आए हम मुंबई में जिसके ये एग्जीबिशन लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये 3D है जो रियल लगता है कि बाहर निकल के आ रही है चीज़ें। मीन्स इनकी जो विमर्श जी हैं, विमर्श जी का मतलब ही वही है एक्सप्रेस करना, तो इनकी पेंटिंग जो है वो एक्सप्रेस करती हैं फीलिंग्स को, तो वो सबसे बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच विमर्श जी यू इन्वाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए। और मैं दुआ करूंगी कि व्यूअर्स को और ज़्यादा सक्सेस मिले और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं पूरे वर्ल्ड में, और हर कोई इनकी पेंटिंग अपने घर में लगाना चाहिए। और मुझे तो बहुत पसंद आए, और स्पेशली मुझे एक उनकी जो बुक्स हैं, जो बुक्स में से कुछ वर्ड्स निकल रहे हैं और एक छन्नी में छन के और एक बाउल में आ जाते हैं, तो मीनिंग इतना मीनिंगफुल है वो कि मतलब बुक्स में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अच्छे बुरे सब कुछ होते हैं, डिपेंड ये होता है कि आप कौन से वर्ड्स को चुनते हो और अपने पास रखते हो। तो बी पॉजिटिव, बी थिंक पॉजिटिव, और अच्छा सोच के अच्छी चीज़ों को शेयर करो, अच्छे शब्दों को शेयर करो, इनका मीनिंग वो है इनकी पेंटिंग का, तो वो अच्छा लगा। पूरा जो एक निचोड़ है मेरी पेंटिंग का या मेरा जो टॉपिक है विमर्श, उसका जो निचोड़ है वो रिहा ने बड़ी खूबसूरती का साफ समझ में कह दिया है कि फैक्ट है कि जब भी हम बात करते हैं तो बात पॉजिटिव होनी चाहिए। विमर्श का मतलब ही होता है कि एक सकारात्मक बहस, एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाके हम बातचीत करें, वहाँ से एक समाधान निकले, एक हल निकले। तो वो बड़ी प्यारी सी बात इसने कह दी, बड़े प्यारे तरीके से कहा है इसने। ऐसे तो सारी इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी हैं, पर एक पेंटिंग और मुझे पसंद आई कि जिसमें होली बुक जो हैं, हर एक मज़हब की जो होली बुक्स हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, और उन्होंने ये साबित कराया है कि कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, कोई कुरान कोई गीता में नहीं लिखा है, सब में सिर्फ प्यार लिखा है, पॉजिटिव बातें लिखी हैं। पर इन्होंने उसको इसलिए खाली रखा है कि वो ऐसे ही आई थी खाली, बट हम इंसानों ने उसके अंदर सब कुछ डाल दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें डाल के उसको हमने बना दिया कि ये हमारा धर्म है, ये आपका धर्म है, आपको ऐसे फॉलो करना है, उसको ऐसे फॉलो करना है, आपको पूजा करनी है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको बाइबल पढ़ना है। तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने उस पेंटिंग को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है और एम्प्टी छोड़ा है कि हर चीज़ एम्प्टी है, अब डिपेंड है आपके ऊपर कि आप उस बुक में क्या लिखना चाहते हो और किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो। सर, कहीं ना कहीं आपकी जो पेंटिंग है, कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का काम कर रही है, जैसे कि एक कुर्सी वाला ले लीजिए, कई ऐसे टॉपिक हैं, तो किस तरह का थॉट कहाँ से आया कि इस तरह से पेंटिंग बनाए? ठीक है, पहली बात कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे पास सबसे सशक्त माध्यम है अपनी बात रखने की, और मैं उन चीज़ों को खारिज करता हूँ कि कला सिर्फ कला के लिए है, कला समाज के लिए है। हमारे पास अगर इतना सशक्त माध्यम है तो उस माध्यम का हम इस्तेमाल करें अपनी बातें समाज तक पहुंचाने के लिए। बेशक वो बातें सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, मतलब हम कला से एक सुझाव दें, एक नया रास्ता दें, ये हमेशा से मेरी कवायद रही है, मेरी कोशिश रही है, और इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी। कितना मेहनत लगा ये अपना पेंटिंग तैयार करने में? ईमानदारी से बताऊँ तो यार, बनाने से अधिक मेहनत लगता है सोचने में क्योंकि बस सोच में अगर मुकम्मल चीज़ें हो जाती हैं तो बनने में बहुत वक्त नहीं लगता है। ये पूरी एग्जीबिशन जो है मेरी, ये मेरा 2 महीने का काम है, 2 से 2.5 महीने का। सोचने में ज़्यादा वक्त लगा हो? सोच पहले आ जाती है, तब मैं एग्जीबिशन की तैयारी करता हूँ कि अब अगला किस टॉपिक पे काम करना है, और टॉपिक पहले सोचता हूँ, उसकी पूरी तैयारी, उसका पूरा लेआउट, उसका एक एक स्केच ड्राइंग पहले कर लेता हूँ, फिर बनाने में बैठता हूँ, तो फिर बनाने में वक्त नहीं लगता है। तो वो सोचने का एक अलग वो पीरियड होता है, एक अलग काल होता है, बनाने के कल अलग काल।